मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। ये हो रही है कि जो कपड़े खरीदारी की है उन्होंने खुद खरीदारी की है और अपनी मर्जी की है, और ये दोनों कपड़े जो आप देख रहे हैं इन्होंने उठाए हुए हाथ में, दोनों मैक्सीज को कहते हैं, पता नहीं मैक्सी कहते हैं, शायद मैक्सी कहते हैं इसको, इसको मैक्सी कहते हैं। और वलीमे वाले दिन उज़्मा आपी और जो इनके हस्बैंड की दूसरी बीवी है यानी कि जो छोटी बहन बना कर लेकर आ रही हैं वो पहनेंगी। इनसे जानते हैं उज़्मा आपी क्या बात है, मतलब कि हर चीज़ ही मैच करके लाई हैं, चप्पल भी, कपड़े भी, इवन के बैग्स वगैरह भी। इतना शौक, इतने शौक के साथ शादी करी खावंद की। जाहिर है मैंने कहा आप सारी खुशियाँ पूरी करें, अगर किसी को खुशी दे तो अधूरी नहीं पूरी देनी चाहिए, अधूरी खुशी कभी भी ना दें। तो ये उनका है। अच्छा, वलीमे का ड्रेस देख ले, उस दिन ना कहें कि नहीं नहीं ये तो उस दिन आपने कोई और पहना और ये मेरा है। तो हम आपको दिखाएंगे वलीमे वाले दिन, आपका यकीन पक्का करवा देंगे। बहना खरीदारी कहाँ कहाँ से की है, किस मार्केट में गई हैं? हम रंग महल गए थे। अच्छा, यतीमखाना भी, रंग महल भी और आज़म मार्केट, वहाँ पे तो डिफरेंट जगहों से मैंने ये सारी शॉपिंग की है। और देखिए अब अल्लाह ताला इंशाल्लाह अच्छा करे। और ये दिखाने का मकसद ये था कि डिज़ाइन सेम है, कलर सिर्फ चेंज है। तो इसके अलावा वीडियो में आप देख रहे होंगे आपको चप्पलें नज़र आ रही होंगी, आपको मुख्तलिफ सूट नज़र आ रहे होंगे, इवन के शॉल, इवन के चादर, गर्मियों की ऑलरेडी उन्होंने ख़रीदारी कर ली है, हर चीज़ आपने ख़रीद ली है। पीछे आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये ढेर लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये वरी इंशाल्लाह आपको बारात वाले दिन ना बकायदा उसमें आप भी बारात वाले खुद दिखाएंगी वहाँ जाके। मैंने भी दिखानी और उसकी दूल्हे की बहनों ने भी। अच्छा, यानी कि इन्होंने उनके साथ इंक्लूड होना है और हिस्सा डालना है कि भी ख़रीदारी खुद की है। मैं खुद भी ऐसे दिखा दूँगी, वो दिखाते हैं ना ऐसे करके, पता नहीं अब दिखा पाऊंगी नहीं, लेकिन अभी कह रही हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हिम्मत दे आपको, अब इतना बड़ा आपने फैसला कर तो लिया, बाकी इसको कंटिन्यू रखना है इंशाल्लाह। तो मैंने ये चप्पलें वगैरह हम देख रहे हैं, जिस तरह गर्मी की भी अभी ऑलरेडी कर ली, उसकी शॉल्स भी खरीद ली हैं, शॉल्स भी, और गर्मी की शॉल्स भी इसलिए लेने के फिर जब गर्मी आएगी फिर वो भी सारा दिखा देंगे। और बाकी आपने देखा सर्दियों की भी उसकी जर्सियाँ वगैरह हर चीज, उसका ब्यूटी बॉक्स है, इसमें उसका मेकअप का सामान है और उसकी ज्वेलरी है सारी, और शूज़ उसने अपनी पसंद से लिए हैं, मैं उसको साथ लेके गई थी। इस सारी शॉपिंग में वो आपके साथ आती जाती रही हैं? नहीं, वो सिर्फ शूज़ लेने के लिए आई थी, बाकी सारी शॉपिंग मैंने खुद की। जब शूज़ लेने वो गई हैं तो उन्होंने कोई बात नहीं की आपसे कि उस्मा भाजी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उनके साथ जा रही हूँ, मेरे खावंद की पहली बीवी हैं, वो खुद करवा रही हैं। वो मुझे कह रही थी एक गल पूछा तेरे को जी पूछे, कहती तानू मैं ही लभी सर। मैंने कहा तुम मुझे अच्छी लगी थी इसलिए पसंद आ गई, वो मेरे हस्बैंड की कज़न है ना। अच्छा। तो फिर मैंने उससे कहा कि अपनी पसंद के आप शूज़ ले लें, मैंने कहा अगर आपकी रजामंदी नहीं है तो हम नहीं करते। अच्छा। कोई बात नहीं, हम कहीं और कर लेंगे इस बार का। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन मैंने कहा आपने मेरे में ऐसा क्या देखा और आपके आपको कैसे लगा है कि मैं आपके मुताबिक हूँ? मैंने कहा मुझे आप बस मेरे दिल ने कहा कि ये अच्छी है लड़की तो इससे करनी चाहिए। तो भी सारे शूज़ उसने अपनी मर्ज़ी के लिए हैं, और जो उसका मेहंदी का जोड़ा है वो रात को मैं जाकर उसको दे आई हूँ, उसकी वीडियो मैंने बना ली है, वो भी इंशाल्लाह दिखा दूँगी। आप वीडियो शॉर्ट में देख भी रहे होंगे, खुद ये गई हैं जाके मेहंदी का जोड़ा दे कर आई हैं, और बाकायदा आप, मैं देख रहा हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप दे रही हैं, अम्मा जी भी बनी हुई हैं साथ, क्या मतलब कितना कॉन्फिडेंस, पता नहीं मेरे दिल को कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो भी कुछ होता रहे दिल का मामला है तो दिल तक ही रहने दे, बाकी मैं जो होना सही हो गया। मैं ना हमेशा अपने दिमाग की सुनती हूँ, दिमाग जो होता है ना वो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेता है, मैं दिल की नहीं सुनती, दिल बोलता रहता है मैंने उसको दबाया। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल बताया। हाँ, दिल के दरवाजे बंद हैं, और जो लोग ठरकी है ना जो मेरे से शादी करना चाहते थे वो अब और उनके दिल और खुल गए होंगे कि आप तो उस्मा ने अपने हस्बैंड की शादी करवा दी। फैमिली में ना रहिएगा, उस्मा आप भी जिस घर में रह रही हैं उस घर में दूसरी बीवी रहेंगी और उसने सलूक से दोनों बहनें राह करेंगी, ये गलत फहमी बिल्कुल भी ना रहिएगा। और लोग कह रहे थे कि उसको आप लैदा घर लेके दें। भाई हम गरीब लोग हैं, हमारे पास चार कमरे हैं, दो कमरे उसके पास हैं, दो मेरे पास हैं, तो जब हम अल्लाह ताला हमें देगा तो हम बड़ा घर लेंगे, फिर उसके लिए लैदा ले लें, अगर उसने नहीं रहना फिलहाल वो ऊपर रहेगी और हम नीचे। ये मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़।